हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं सारे सारे एरे के अंदर वो सारे सारे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ जाए मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएँ तो ये जो प्रोसेस होती है उसे हम सॉर्टिंग कहते हैं ठीक है और सॉर्टिंग हमारी काफ़ी टाइप से हो सकती है आज हम बात करने वाले बबल सॉर्ट और सलेक्शन शॉट के बारे में इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉर्टिंग के मैकेनिज्म होते हैं सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स होती हैं उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे बेसिकली जो बबल सॉर्ट होती है आपकी वो सबसे ज़्यादा ईजी होती है सबसे ज्यादा इनिफिशियंट भी होती है लेकिन सबसे ज्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होती है लेकिन ठीक है तो बबल शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं तो बबल से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एरे दिया होगा और आपको उसको शॉर्ट करके देना है तो बबल देखते हैं कैसे करने वाले हैं तो बबल शॉर्ट में क्या होता है यार आपको जो एलिमेंट्स होते हैं आप चेक करते हो कि आपका जो बाद वाला एलिमेंट है क्या वो पहले वाले एलिमेंट से छोटा है अगर बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको स्वाप कर देते हैं मतलब उनको उनकी पोजिशन को एक्सचेंज कर देते हैं तो हम ऐसे आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि थ्री और टू को चेक करते हैं तो टू क्योंकि छोटा है थ्री से तो हम इनको स्वॉप कर देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा यहां आ जाएगा थ्री और यहां आ जाएगा टू ठीक है तो अब ये हो जाएगा टू थ्री माइनस वन फाइव फोर अब फिर से आगे बढ़ेंगे फिर से हम चेक करेंगे कि आप थ्री और माइनस वन जो है वो आपस में जो माइनस वन है वो छोटा है हाँ माइनस वन छोटा है तो हम माइनस वन को भी स्वॉप कर देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा टू माइनस वन थ्री ठीक है अब थ्री और फाइव को चेक करेंगे तो फाइव और थ्री तो ठीक है फिर फाइव और फोर को चेक करेंगे तो फाइव और फोर में फोर छोटा है तो इनको भी स्वाप कर देंगे आपस में ठीक है तो ये हो जाएगा फोर यहाँ पर फाइव यहाँ पर उसके बाद कुछ एलिमेंट नहीं बचे यहाँ पर तो एक इटरेशन हो गई आपकी ये ठीक है एक बार आप पूरे लूप के अंदर चले गए और आपने क्या किया आपने जितना राइट साइड वाले एलिमेंट को चेक किया लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट के साथ और अगर राइट साइड वाला एलिमेंट आपका छोटा आ रहा है लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट से तो आप उनको स्वॉप कर दोगे ठीक है तो ये आपकी पहली इटरेशन थी ये आपकी पहली इटरेशन थी अब दोबारा से आप यही प्रोसेस को रिपीट करोगे ठीक है दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट होगी और हर बार जैसे जैसे आप इट्रेशन खत्म करते जाओगे हर इट्रेशन के एंड में आपको क्या होगा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना वो हमेशा सबसे एंड में आता जाएगा सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे एंड में आता जाएगा देख लो ये फाइव जो था वो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे एंड में आ गया अब जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो सबसे एंड में आ जाएगा मतलब वो इसके पहले आ जाएगा फिर उससे छोटा जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से ये पीछे से सॉर्ट होता जाता है ठीक है पीछे से शॉर्ट होता जाता है बबल सॉर्ट के अंदर हमेशा एलिमेंट पीछे से आपके सॉर्ट होते जाते हैं तो दोबारा से इटरेशन लगाते हैं तो हम चेक करेंगे टू और माइनस वन तो माइनस वन आपका छोटा है तो यहाँ पे सॉप तो हो जाएगा तो माइनस वन टू हो जाएगा ये ठीक है फिर टू और थ्री चेक करेंगे तो टू और थ्री सही है थ्री और फोर चेक करेंगे थ्री और फोर सही है फोर और फाइव भी सही है ठीक है तो आपका ये माइनस वन टू फिर थ्री फोर और फाइव ठीक है तो ये आपकी सेकेंड इटरेशन के अंदर ही अरे वैसे आप देख रहे हो ये सेकंड इटरेशन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया हमेशा ऐसा नहीं होता हमेशा आपको मतलब एक जो नॉर्मल केसेज होते हैं जो आपके एवरेज केसेज होते हैं उन केसेज के अंदर आपको पूरे जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर उतने टाइम आपको रिपीट करनी होती है प्रोसेस इस केस में आपका दो टाइम्स के अंदर ही शॉर्ट शॉर्ट हो गया पूरा का पूरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे आप, प्रॉपर आपका बबल सॉर्ट का फ्लो काम करता है ठीक है तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो ये मैंने एक एरे ले लिया है इस एरे को अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एरे है ठीक है तो इसके अंदर अगर हम बबल सॉर्ट लगाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये जो एरे है वो सॉर्ट हो जाए तो देखते हैं कैसे हम बबल सॉर्ट लाएंगे तो सबसे तो पहले हम चेक करेंगे सेवन और फाइव को तो सेवन और फाइव जो है फाइव जो है वो राइट साइड वाला जो है वो छोटा है तो लेफ्ट साइड वाले से तो हम उनको स्टॉप कर देंगे ठीक है तो फाइव यहाँ पे आ गया सेवन यहाँ पे आ गया ठीक है उसके बाद फिर सेवन और फोर को चेक करेंगे तो सेवन और फोर में फोर छोटा है तो फिर से यहाँ पर सौंप होगा एक बार तो फोर यहाँ पर सेवन यहाँ पर फिर से सेवन और टू को चेक करेंगे तो यहाँ पर यह भी छोटा है तो टू यहाँ पर सेवन यहाँ पर फिर सेवन और जीरो को चेक करेंगे तो सेवन छोटा है सॉरी सेवन बड़ा है जीरो से तो जीरो यहाँ पर और सेवन यहाँ पर तो ये आपकी फर्स्ट इटरेशन थी और फर्स्ट इटरेशन के बाद आप देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे एंड में आ चुका है ठीक है ये सेवन जो था यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है ठीक है तो इसी तरीके से अब दूसरी इटरेशन चलेगी हमारी सेकेंड इंट्रेशन चलेगी सेकेंड इंटरेशन में हम चेक करेंगे फाइव और फोर तो ठीक है फोर छोटा है तो फिर से यहाँ पे फोर आ जाएगा फाइव यहाँ पे फिर फाइव और टू चेक करेंगे तो फाइव बड़ा है और टू छोटा है तो टू यहाँ पे आ जाएगा और फाइव यहाँ पे फिर फाइव और जीरो चेक करेंगे फाइव और ज़ीरो में फाइव बड़ा है तो ज़ीरो यहाँ पे फाइव यहाँ पे फिर फाइव और सेवन को चेक करेंगे तो सेवन आपका ठीक है अपनी जगह पर ही है तो यहाँ पर कोई शॉपिंग नहीं होगी ठीक है तो आपके अब सेकंड इटरेशन के अंदर क्या हुआ जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था वो अपनी पोजीशन पे आ चुका है ठीक है फर्स्ट इटरेशन में सेवन यहाँ पे आ गया था अब सेकंड इटरेशन में फाइव यहाँ पे आ चुका है अब ही थर्ड इटरेशन चलेगी हमारी फिर से वही करना है हमें बस वही करना है राइट right साइड वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट से छोटा चो, है तो हम उनको स्वाप कर देंगे सिंपल अब टू और फोर को चेक करेंगे ठीक तो है तो टू छोटा तो है तो यहाँ पर टू आ जाएगा फोर यहाँ पर फिर फोर और ज़ीरो को चेक करेंगे तो ज़ीरो छोटा है तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा फोर यहाँ पर फिर फोर और फाइव को चेक करेंगे तो फोर अपनी जगह पे ही है फाइव अपनी जगह पे ही है तो कोई शॉपिंग नहीं होगी ऐसे ही फाइव और सेवन में भी कोई शॉपिंग नहीं होगी ठीक है फिर फोर्थ इटरेशन में चलते हैं फोर्थ इटरेशन में हम टू uh, और जीरो को चेक करेंगे तो जीरो छोटा है तो जीरो यहाँ पर आ गया टू यहाँ पर आ गया ठीक है उसके बाद टू और फोर को चेक करेंगे तो टू और फोर अपनी सही जगह पर है फिर फाइव और फोर और फिर फाइव और सेवन भी सही है ठीक है तो ये आपका फोर्थ इटरेशन में जाके आपका ये एरे जो है वो सॉर्ट हो चुका है तो यहाँ पे एलिमेंट्स थे आपके वन टू थ्री फोर फाइव तो अगर आपके फाइव एलिमेंट्स थे तो यहाँ पे आप देख रहे हो फाइव माइनस वन मतलब अगर एन एलिमेंट्स हैं आपके तो एन माइनस वन इटरेशन के बाद आपको जो होगा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा ये आपका एरे जो है ये सॉर्टेड एरे है देख रहे हो जीरो टू फोर फाइव सेवन ये आपको एन माइनस वन इटरेशन के बाद आपको एक सॉर्टेड एरे मिल गया है ठीक है तो यही जो चीज़ है इसको बबल सॉर्ट कहते हैं और सबसे ज़्यादा ईजी अलगर्दमान जाता है और सबसे ज़्यादा इनफिशेंट भी अलगोर्दम होती है ये ठीक है क्योंकि इसके अंदर बार बार आपको स्वॉप करना पड़ता है एलिमेंट्स को ठीक है आप एडजेसेंट एलिमेंट को बार बार स्वॉप कर रहे हो इससे भी अच्छे अच्छे एल अलगोर्दम्स होते हैं जिसके अंदर स्वॉपिंग थोड़ी कम होती है इसलिए वो ज़्यादा एफिशियंट हो जाती है ठीक है तो इसको हम एक बार कोड में देख लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं तो मैं यहाँ इक्लिप्स में आया इक्लिप्स के अंदर एरेज के अंदर आया मैं यहाँ पे एक क्लास हैं लेट्स कॉल इट बबल हैंट ठीक है तो ये बबल सॉर्ट हो गया आपका एक एरे बना लेता है इंट ए इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ मैं यहाँ पर तो टू वन एट माइनस थ्री सिक्स फोर ट्वेल्व ठीक है तो ये आपका एक एरे होगा इसकी जो साइज है उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसका जो लेंथ है इंट एन इक्वल्स टू ए डॉट लेंथ ठीक है तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल uh, के अंदर हमने इसका जो लेंथ है वो स्टोर कर लिया अब हमें लूप चलाना है तो पहला लूप जो है, वो कितनी बार चल रहा है जो आउटर लूप है वो एन माइनस वन चल रहा है तो, तो ये आपका जो आउटर लूप है जो मतलब टोटल कितनी बार आपका लूप चलने वाला है वो एन माइनस वन टाइम चलने वाला है तो हम इस लूप को एन माइनस वन टाइम चला रहे तो अब अंदर वाले लूप में क्या करना है अब अंदर वाले लूप में आप बार बार क्या कर रहे हो जीरो से आगे जा रहे हो ठीक है जीरो से आप आगे बढ़ रहे हो और एन माइनस वन टाइम्स जा रहे हो ठीक है तो अंदर वाला लूप भी आपका जीरो से लेकर एन माइनस वन टाइम्स चल रहा है इसको हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे अभी बट अभी जीरो से लेकर एन माइनस वन टाइम्स चलाते हैं अंदर वाले लूप को भी तो फॉर एंड जे इक्वल्स टू जीरो जे लाइन एन माइनस वन जे प्लस प्लस तो बार बार हमें क्या करना है हमें बार बार चेक करना है जो राइट वाला एलिमेंट है क्या वो लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है अगर राइट वाला एलिमेंट लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो राइट तो तो मतलब right वाला एलिमेंट अगर लेफ्ट वाले एलिमेंट से छोटा है तो हम उनको यहां पर स्वप कर देंगे तो ए जे प्लस वन और ए जे वाली पोजिशन को हम स्वप कर देंगे ठीक है स्वाप करने के लिए हम यहाँ पे एक टैंप वेरिएबल बना लेते हैं ठीक है एक टैंप वेरिएबल टेंपर वेरिएबल जिसके अंदर मैं पोजन डालता हूँ ये वाली वैल्यू ए जे प्लस वन ठीक है तो टेम्प्रेरी वेरिएबल के अंदर ए जे प्लस वन डाल दिया अब इस ए जे प्लस वन को हम अपडेट कर सकते हैं तो ए जे प्लस वन इक्वल्स टू ए और अब ए के अंदर पुराना वाला टैम्प तो ये आपका स्वॉप करने का तरीका होता है दो एलिमेंट्स को अगर आपको स्वॉप करना है सपोज एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है इनको अगर आपको स्वॉप करना है इनकी वैल्यूज को कि ए के अंदर सपोज टेन स्टोर था बी के अंदर फाइव था और आप चाहते हो कि इन दोनों की वैल्यू आप, आप में आपस में स्वाप हो जाए कि ए के अंदर फाइव आ जाए और बी के अंदर टेन आ जाए तो उसके लिए आप क्या करते हो अगर आप ऐसे ही करने लगे कि बी एक टू ए और ए कॉस टू बी अगर आपने ये कर दिया तो इससे स्वाप नहीं होगा इससे आपका स्वाप नहीं होगा आप देखो बी क्लॉस टू ए करने से क्या हुआ कि बी के अंदर ए की वैल्यू आ गई मतलब बी के अंदर तो टेन आ गया ठीक है बी के अंदर तो टेन आ गया लेकिन जब आप ए कॉस टू बी कर रहे हो आप तो अब इस बी के अंदर टेन वैल्यू स्टोर है तो अब जब आपने ए कॉस टू बी किया तो अब ए के अंदर भी टेन आ गया ठीक है तो बी के अंदर भी टेन आ गया ए के अंदर भी टेन आ गया जैसे ही आपने बी कॉल श्रू ए किया वैसी आपने बी की पुरानी वैल्यू जो वैल्यू थी जो फाइव वैल्यू थी वो आपने खो दी तो उस वैल्यू वैल्य को हमें कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना चाहिए ठीक है तो हम उस क्या करेंगे उस वैल्यू को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ठीक है तो एक टैंप बनाते हैं हम और उसके अंदर बी की जो पुरानी वाली वैल्य वैल्यू उसको स्टोर कर लेते हैं ठीक है तो टैंप के अंदर बी आ गया जो बी की वैल्यू पाँच थी अब आप बी के अंदर पुरानी वाली जो ए की वैल्यू है उसको डाल दो तो अब बी के अंदर आपका टेन आ गया ठीक है बी के अंदर आपका टेन आ गया अब आप ए के अंदर बी की वैल्यू को डाल सकते हो तो जो बी की पुरानी वाली वैल्य वैल्यू थी दो, तो मतलब तो दो एलिमेंट्स को ठीक तो है तो वही यूज किया मैंने यहाँ पे टैंप वेरिएबल बनाया एक और टैंप वेरिएबल के अंदर पहले ए जे प्लस वन डाल दिया फिर ए जे प्लस वन के अंदर ए जे डाल दिया फिर ए जे के अंदर टैंप वाली वैल्यू डाल दी इस तरीके से आपने स्वॉप कर दिया ए जे और ए जे प्लस वन को तो यही चीज़ आप पूरी फॉलो करते रहोगे ये लूप अपना चलता रहेगा अपना लूप अपना काम करता रहेगा ठीक है और फाइनली ये सॉर्टेड वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर इनको हम प्रिंट करा लेते हैं तो प्रिंट कराने के लिए आप फॉर लूप फॉरलूप यूज करोगे यहाँ पे तो आज एक और टाइप का फॉर लूप होता है एक फॉर लूप होता है ठीक है फॉर ईच लूप इसे कहते हैं उसको मैं आपको बता देता हूँ वो मैंने पहले फॉर लूप के अंदर नहीं बताया था आपको तो एक फॉर लूप होता है फॉर लूप का एक दूसरा वर्जन होता है उसके अंदर क्या होता है जब आप एरेज़ को अगर आपको प्रिंट कराना है ठीक है बेसिकली किसी भी इटरेबल चीज़ को प्रिंट कराना है अब इटरेबल चीज़ क्या होती है वो आप बातें पड़ेंगे किसी भी इटरेबल अगर चीज़ को प्रिंट कराना है तो आप एक फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो लेकिन फॉर लूप के अंदर इंडेक्सिंग आई को जीरो से लेकर एन तक जाने के बजाय आप एक फॉर ईच लूप का यूज़ कर सकते हो तो वो कैसे काम करता है तो आपको लिखना फॉर फिर इंट टाइप का एरे ये इसलिए इंट इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका नाम देते हैं ई ठीक है जो एक एक आइटम है नहीं देते इनका आइटम देते हैं आइटम ठीक है फॉर इंट आइटम फिर यहाँ पे एक आता है फिर एक सेमी एक कॉलन आता है और कॉलन के बाद आप एरे लिख देते हो ठीक है ए तो ये आपका फॉर्मेट होता है ठीक है यहाँ पे देख रहे हो आपने यहाँ पे जो सेमी कॉलन से सेपरेट करना था फॉर्मुल को वो नहीं किया हुआ यहाँ पे आप एक पहले बता रहे हो कि, कि किस टाइप का आपका ये एरे है तो आपका इंट टाइप का एरे है उसके बाद हर जो आइटम है उसका नाम क्या है तो उसका नाम मैंने आइटम रख दिया और किसके अंदर से निकाल रहे हो तो ए टाइप के एरे में से निकाल रहे हो ठीक है और इनको सेपरेट कर रहे हो आप यहाँ पे ये यह कॉलन से तो फॉर इंट आइटम कॉलन ए ये आपका फॉर ईच लूप होता है और ये क्या करेगा ये आपके जो एरे है उसके अंदर पूरा का पूरा एक बार इटरेट कर जाएगा और जो सारी सारी वैल्यूज होंगे वो आइटम वाले वेरिएबल के अंदर डालते रहेगा ठीक है और आप इन आइटम को प्रिंट करा लेंगे तो इस आइटम को प्रिंट करा लेते हैं ठीक है तो ये यह आइटम यहाँ पे प्रिंट हो गए तो यहाँ पे देख रहे हो कितना इजीली आपको फॉर मतलब आपने एक आई वेरिएबल नहीं बनाया और आपने ए आई करके प्रिंट नहीं करा यहाँ पे इस तरीके से आपने पूरे लूप के अंदर पूरे जो आ, एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स थे वो फॉर इच लूप की हेल्प से आपने प्रिंट कर दिया तो इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपका ये एरे एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है देख रहे हो ये वाला जो एरे था आपका टू वन एट माइनस थ्री सिक्स फोर ट्वेल्व ये आपका यहाँ पर सॉर्ट हो चुका है ठीक है तो यहां पर आपने ईजिली जो आपका जो एरे था बबल सॉर्ट के हाथ आप से आपने शॉर्ट कर लिया यहां पर अब कुछ इसमें ऑप्टिमाइजेशन है जो हमने यहां पे नहीं करी है वो क्या है तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे तो आपको मैंने बताया था कि हर इटरेशन के बाद जो आपका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो पीछे आते जाएंगे ठीक है पहली इटरेशन में सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया दूसरी इटरेशन में सेकंड लार्जेस्ट थर्ड इटरेशन में थर्ड लार्जेस्ट फोर्थ इटरेशन में फोर्थ लार्जेस्ट ठीक है तो लास्ट वाला पार्ट जो है आपका बार बार सॉर्टेड फॉर्म में देख रहे हो पहले ये सेवन था फिर फाइव सेवन फिर ये फोर फाइव सेवन फिर ये टू फोर फाइव सेवन तो हम बार बार लास्ट वाले पार्ट तक हमें पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है हम चाहे तो अपने इनर लूप को पहले ही रोक सकते हैं ठीक है थिके? हम चाहे तो इनर लूप को पहले ही रोक सकते हैं पहली बारी में आप पूरा चला दो दूसरी बारी में इसको एक कम चलाओ तीसरी बारी में से दो कम चलाओ फिर चौथी बारी में तीन कम चलाओ ठीक है इस तरीके से तो हम इनर लूप को पूरा एन माइनस वन टाइम्स चलाने की बजाय हम उसको थोड़ा कम भी चला सकते हैं ठीक है थिके? तो अब इसको पूरा एन माइनस वन टाइम्स चलाने की बजाय हम इसे एन माइनस वन माइनस आई टाइम्स चलाते हैं ठीक है समझ में आ गया यहां पर एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन किया मैंने लूप आपका एन माइनस वन टाइम्स नहीं चल रहा ये ये आप आपका एन माइनस वन माइनस आई टाइम्स चल रहा है ठीक है तो आई की वैल्यू पहली इटरेशन में जीरो थी आपकी ठीक है पहली इटरेशन में आपकी आई की वैल्यू जीरो है, तो ये लूप आपका एन माइनस वन टाइम्स चलेगा सेकंड इटरेशन में आपकी आई की वैल्यू हो जाएगी वन तो अब अब आपका जो लूप होगा वो एन माइनस टू टाइम्स चलेगा ठीक है एन माइनस टू टाइम्स चलेगा यहाँ तक उसके बाद आपका एन माइनस थ्री टाइम्स चलेगा फिर एन माइनस फोर टाइम्स चलेगा ठीक है तो आपका जो पहले से ही सॉर्टेड पार्ट है उसको आप दोबारा चेक नहीं कर रहे हो ठीक है तो ये आपकी एक छोटी ऑप्टिमाइजेशन थी एक ऑप्टिमाइजेशन आप और भी कर सकते हो तो आप यहां पर देख रहे हो जो बाहर वाला लूप है आपका एन माइनस वन टाइम्स चल रहा है ठीक है बाहर वाला लूप भी आप चाहो तो कम टाइम्स चला सकते हो इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि दो टाइम सॉर्ट करने के बाद ही दो इटरेशन के बाद ही आपका पूरा एरे सॉर्ट हो गया था ठीक है तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका एरेज होगा वो एन माइनस वन टाइम्स चलेगा हर बार ऐसा नहीं होगा हर बार आ, कुछ टाइम्स ऐसे भी होंगे जिनमें आपका जो लूप होगा वो पहले ही शॉर्ट हो जाएगा ठीक है जो आपका जो एरे होगा वो पहले ही शॉर्ट हो जाएगा तो उन केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम तो हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं ठीक है कि अगर आपका एरे पहले ही सॉर्ट हो चुका है तो अब आपको दोबारा से स्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है वरना अगर आपका एरे आपको सॉर्टेड भी मिलेगा तो आपका ये बबल सॉर्ट जो है वो आपका बार बार लूप में जाता रहेगा इसे तो पता ही नहीं ना कि आपका एरे सॉर्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है ठीक है तो इसको बता देते हैं कि आपका जो अगर एरे सॉर्ट हो गया एक बार तो आपको बार बार लूप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं एक एक बुलियन बना लेता हूँ बोलियन नाम रख देते हैं सॉर्टेड ठीक है इसकी वैल्यू कर देते हैं ट्रू ठीक है बुलियन की वैल्यू ट्रू कर दिया हमने तो अगर आपने एक बार भी स्वॉप नहीं लगाया तो इसका मतलब आपका एरे जो है वो सॉर्टेड था ठीक है अगर आप पूरी की पूरी इटरेशन में आप चले गए हो लेकिन एक बार भी आपने स्वॉप नहीं किया एलिमेंट्स को इसका मतलब आपका एरे जो है आपका सॉर्ट हो चुका है ठीक है लेकिन अगर आपने एक बार भी स्वॉप लगा दिया इसका मतलब आपका एरे जो है वो भी भी सॉर्ट होना बाकी है ठीक है तो वही यहां पर यूज करेंगे हम कि अगर आपने एक बार भी स्वॉप लगाया ठीक है यहाँ पे इफ कंडीशन में आपने स्वॉप लगाया अगर आपने स्वॉप लगाया तो इसका मतलब जो आपका एरे जो सॉर्टेड है वो नहीं है ठीक है तो सॉर्टेड फॉल्स हो गया कि अभी भी आपका एरे जो है वो सॉर्ट होना बचा है ठीक है अभी आपका एरे पूरा सॉर्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर सॉर्टेड इक्वल्स टू फॉल्स हो गया फिर यहाँ पर नीचे एक चेक लगा देंगे कि अगर सॉर्टेड है आपका एरे तो ब्रेक ठीक है ब्रेक के बारे में आपको पहले बताया था कि, कि किसी भी कंडीशन के बाद अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आप उस आप उस पूरे लूप से बाहर आए तो ठीक है तो आप बाहर वाले लूप से जो फॉर लूप है ये वाला इससे बाहर आ जाओगे जब आप पहले से ही आपका लूप जो है वो आपका जो एरिया है वो सॉर्ट हो चुका है ठीक है तो यहाँ पे वही किया मैंने अगर आप सॉर्टेड हो आपका एरिया अगर सॉर्टेड है तो आप लूप से बाहर आ जाओ ठीक है बार बार लूप के अंदर घूमने की अब ज़रूरत नहीं है तो ये भी आपकी एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन थी ठीक है जिससे क्या हो रहा है आपका लूप जो है वो बार बार लूप में नहीं जा रहा आप बेसिकली बार बार लूप में नहीं जा रहे अगर आप सॉटेड हो अगर आपको पहले पता चल रहा है कि आप सॉर्टेड आपका एरिया हो चुका है तो आप उसके बाद ब्रेक कर जाते हो लूप से ठीक है तो ये एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन थी इसको चला के देखते हैं अभी भी ये करेगा ही ठीक है तो यहाँ पे अभी भी ये शॉर्ट कर रहा है तो आपका ये था बबल शॉर्ट ठीक है बबल शॉर्ट के अंदर आप क्या कर रहे हो राइट एलिमेंट और लेफ्ट एलिमेंट को बार बार चेक करो ए जिस राइट और लेफ्ट एलिमेंट को अगर राइट वाला एलिमेंट छोटा लेफ्ट वाला एलिमेंट से तो आप उनको सॉप कर दे रहे हो और यही प्रोसेस आप बार बार रिपीट कर जा रहे हो ठीक है तो फाइनली आपका जो एरिया वो शॉर्ट होके मिल जा रहा है ठीक है

लेकिन सिलेक्शन शॉट में ऐसा नहीं करते सिलेक्शन शॉट में हम पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्वॉप करना चाहिए ठीक है पूरे एरे में एक बार हम जाते हैं सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं ठीक है इस अभी तक जो एरे में सबसे छोटा एलिमेंट है और उस छोटे वाले एलिमेंट को हम फर्स्ट पोजिशन पर डाल देते हैं ठीक है तो ये आपका सिर्फ एक बार आपने स्वॉप किया यहाँ पे पूरी डिरेशन में आपने सिर्फ एक बार स्वॉप किया उसके बाद अब आपका जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है वो आपकी अपनी पोजिशन पर पहुंच चुका है ठीक है अब आप क्या करते हो अब दूसरी डिरेक्शन में क्या करते हो आप दूसरी डिरेशन में फिर से एक इस सेकंड बड़ा वाला नंबर ढूंढते हो ठीक है जो सेकंड नंबर पे आने वाला है और फिर उस नंबर को ढूंढ के आप उसको अपनी पोजिशन पर डाल देते हो ठीक है ऐसे फिर आप, आप थर्ड इटरेशन में थर्ड नंबर ढूंढते हो और उसको अपनी पोजिशन पर डाल देते हो ठीक है तो हर इटरेशन में आप सिर्फ एक बार स्वॉप कर रहे हो और आप इससे अपने जो स्वॉपिंग जो अलगोर्दम है उसको तो आपने थोड़ा इंप्रूव कर लिया ठीक है आपका जो ये यहाँ पे शॉटिंग अलगोर्दम है थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है ठीक है तो सिलेक्शन शॉर्ट को देख लेते हैं तो आपका एक ये एरे मैंने यहाँ पे बना दिया ठीक है फाइव टू माइनस वन सिक्स थ्री हमें इसे सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आप सबसे पहले ढूंढते हो कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तो माइनस वन सबसे छोटा एलिमेंट है तो सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो सबसे पहले आना चाहिए तो हम क्या करेंगे जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ स्वॉप कर देंगे ठीक है तो माइनस वन को इस फाइव के साथ स्वॉप कर देंगे तो माइनस वन यहाँ पर आ गया टू अपनी पोजिशन पे ही अभी भी फाइव यहाँ पे आ गया सिक्स और थ्री तो मैंने क्या किया सबसे के सबसे के अंदर जो छोटा एलिमेंट था इस एरे के माइनस वन उसको अपनी पोजिशन पर लेकर छोटा एलिमेंट सबसे पहले ही आएगा तो आपका ये पार्ट आपका सॉर्ट हो चुका है ठीक है पहला एलिमेंट आपका सॉर्ट हो चुका है अब क्या करना है अब आपको फिर से ढूंढना है इस एरे के अंदर जो बचा हुआ एरिया है इस एरे में ढूंढना है कि अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इस लेकिन ये बचे हुए वाले एरिया में ठीक है ये आपका जो एरे बच गया तो इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है ये टू ठीक है तो इस टू को फिर से सॉव कर देंगे इसी पोजिशन के साथ तो ये टू यहीं का यहीं रह जाएगा ठीक है टू यहीं का यहीं रहेगा तो सेकंड इटरेशन में भी आपका माइनस वन टू फाइव सिक्स थ्री ठीक है तो ये आपके सेकेंड इटरेशन हो चुकी है और आपका जो ये वाला पार्ट है एरे का अब ये शॉर्ट हो चुका है ठीक है अब हम फिर से बचे हुए पार्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे बार बार यही चीज रिपीट करते जाएंगे ठीक है अब इस पार्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तो सबसे छोटा एलिमेंट ये वाला है ठीक है तो इसको अपनी पोर्शन पर लाएंगे इसकी पोर्शन कौन सी है ये वाली तो इसके साथ इसे स्वाप कर देंगे ठीक है थर्ड इटरेशन में क्या कर रहा हूँ मैं माइनस वन टू अब ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा सोप हो जाएगा सिक्स और ये फाइव ठीक है तो ये वाली जो सबसे छोटा एलिमेंट था ये भी अपनी लोकेशन पे आ चुका है तो अब ये वाला पार्ट जो है आपका ये सॉर्ट हो चुका है ठीक है अब इतना पार्ट बच गया अब फिर से इस वाले बचे हुए एरे के अंदर हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है तो ये सबसे छोटा एलिमेंट है तो इसको अपनी लोकेशन पर लेके आते हैं माइनस वन टू थ्री फाइव और सिक्स तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करके आपका पूरा का पूरा जो एरिया है वो सॉर्ट हो चुका है और इसके अंदर आपने कम नंबर ऑफ स्वॉप शॉपिंग करी है ठीक है आपने बेसिकली जितने आपके एलिमेंट्स हैं उतनी बार आपने शॉपिंग करी है ठीक है आपका बबल सॉर्ट के अंदर आप काफी बार शॉपिंग कर रहे थे इसकी वजह से वो थोड़ा इनफिशियंट हो जाता है बट सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर आपकी स्वॉपिंग जो होती है नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्वॉपिंग वो कम होती है ठीक है तो इसको जब आप हम इक्लिप्स में बना लेते हैं तो मैं एरेज में आया यहाँ पे न्यू क्लास कॉल इट सिलेक्शन शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट तो सबसे पहले एक एरे एरेइज कर लेते हैं इंट ए इक्वल्स टू इट थ्री वन माइनस टू सेवन फोर जीरो ठीक है तो ये मैंने एक एरे बना लिया है आ, इसका जो साइज़ होगा वो होगा एन ए डॉट लेंथ ठीक है तो यहाँ पे जो एन है वो आपका इस एरे का लेंथ है अब हमें क्या करना है आपका जो लूप होगा वो आपका यहाँ पे देख हो एन माइनस वन टाइम्स चल रहा है अगर आपके एन एलिमेंट्स हो तो यहाँ पे भी आपका एन माइनस वन चल रहा है आपका लूप तो लूप चलाते हैं एन माइनस वन टाइम्स और हर बार आपको यहाँ ढूंढना है हर बार आपको ढूंढना है एक ऐसा एलिमेंट जो अभी सबसे छोटा एलिमेंट है ठीक है जो अभी सबसे छोटा एलिमेंट है और वो जो आपका जो आप ढूंढ रहे हो वो आप हमेशा कहाँ से कहां तक ढूंढ रहे हो बचे हुए पार्ट के अंदर ठीक है पहले आपने इस पूरे पार्ट के अंदर ढूंढा ठीक है यहां से लेकर यहां तक उसके बाद आपने सिर्फ इस पार्ट में ढूंढा फिर आपने इस पार्ट में ढूंढा फिर इस पार्ट में ढूंढा फिर इस पार्ट में ढूंढा ठीक है तो आपका जो अंदर वाला जो लूप है वो हमेशा थोड़ा कम चल रहा है ठीक है हमेशा पूरा का पूरा एंड टाइम्स से नहीं चल रहा वो वो हमेशा थोड़ा कम चल रहा है और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमेशा आई से ठीक है यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पे भी आई की वैल्यू टू है तो टू से स्टार्ट हुआ फिर आई की वैल्यू थ्री है तो थ्री से स्टार्ट हुआ फिर फोर से स्टार्ट हुआ ठीक है तो आपका जो अंदर वाला लूप है वो आपका आई से स्टार्ट होगा तो अंदर वाला लूप आपका स्टार्ट होगा आई से कहाँ तक चलेगा एन तक जे प्लस प्लस और यहाँ पे आपको एक मिनिमम इंडेक्स ढूंढना है ठीक है मिनिमम इंडेक्स तो मिनिमम इंडेक्स मैं फिलहाल के लिए मना लेता हूँ मिन इंडेक्स फिलहाल के लिए आपकी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू जाएगी आई ठीक है तो करंटली आपका जो मिनिमम इंडेक्स है वो ये वाली पोजिशन है ठीक है इनिशियल वाली पोजिशन और हम इसको अपडेट करते जाएंगे तो मैं एक चेक लगाऊंगा यहाँ पर कि इफ ए मिन इंडेक्स ये तो यहां हमें चेक करना है कि जो करंट एलिमेंट है वो आपका मिनिमम एलिमेंट से छोटा है अगर आपका करंट एलिमेंट मिनिमम मिनिमम एलिमेंट से छोटा है तो वो आपका न्यू मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा ठीक है तो वही यहां पे मैं चेक लगा रहा हूं कि इफ ए ऑफ जे अगर ये छोटा है ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स वाले से तो आपका जो मिनिमम इंडेक्स होगा ना वो अब आपका जे हो जाएगा तो इस तरीके से आपने क्या किया आप लूप के अंदर गए और जो इस इटरेशन के अंदर मिनिमम एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्स पोजीशन है वो आपने स्टोर करा लिया है ठीक है ये हमने स्टोर करा ली अब मुझे क्या करना है इस मिनिमम इंडेक्स वाली पोजीशन के साथ जो आपका जो ये वाली पोजीशन है आई वाली पोजीशन है उसको स्वॉप कर देना है सिंपल है तो यहाँ पर मैं स्वॉप कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो वही स्वॉप करने का वही तरीका है पहले टैम्प के अंदर डाल देते हैं ए फिर ए के अंदर डाल देते हैं ए ऑफ मिन इंडेक्स और फिर ए ऑफ मिन इंडेक्स के अंदर डाल देते हैं तो इस तरीके से आपने जो आपका जो एरे था वो आपने सॉर्ट कर लिया है तो अब यहां पे आपका जो रिजल्ट है उसे प्रिंट करा लेते हैं तो फिर से मैं फॉर ईच लूप यूज करने वाला हूं प्रिंट कराने के लिए फॉर ए, ए, तो आपका सिलेक्शन सॉर्ट का कोड था इसको रन करते हैं तो प्रिंट एल की जगह प्रिंट लिखते हैं तो यहाँ पे जो आपका जो एरे था ये थ्री वन माइनस टू सेवन फोर जीरो यहाँ पर शॉर्ट हो चुका है देख रहे हो और हर बार मैं क्या कर रहा हूँ सिलेक्शन शॉर्ट का जो मैंने आपको बताया था ड्राई रन करके वही यहाँ पे मैंने अलगोरदम में किया है तो आप यहाँ देख रहे हो मैं पहली बार गया इस एरे के अंदर ठीक है पहली बार मैं गया यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स फिलहाल जीरो आई है तो आई की वैल्यू फिलहाल जीरो थी उसके बाद मैंने क्या किया जो आपका लूप है वो मैंने आई से चलाया तो आई अभी फिलहाल जीरो है तो पहली बार जो लूप होगा वो आपका जीरो से चलेगा उसने क्या किया उसने सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढ लिया ठीक है यहां पे वो छोटा वाला एलिमेंट ढूंढ लिया उसने छोटे वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है उसको मिनिमम इंडेक्स के अंदर डाल दिया तो छोटे वाला जो इंडेक्स था वो ये था इस इंडेक्स की वाली थी जीरो वन टू ठीक है तो इसने टू डाल दिया मिनिमम इंडेक्स के अंदर अब इसको मिनिमम इंडेक्स मिल चुका है तो अब यह करेगा जो ए आई और ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स मतलब टू मतलब इस वाली पोजिशन को और इस वाली पोजिशन को स्वॉप कर देगा ये देख रहे हो वही क्या मैंने यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे आ गया और ये फाइव जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट था चलेगा अब आपके आई की वैल्यू हो चुकी है इंडेक्स को मैंने वन से इनिशलाइज कर दिया मतलब यहां से इनिशलाइज कर दिया अब मैं सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ मैंने पूरे लूप में गया लेकिन सबसे छोटा एलिमेंट मुझे यही था तो यही मिला मुझे मैंने फिर से क्या किया इस, इसी को इसी पोजिशन पर स्वॉप कर दिया मतलब आई भी यही है और मिनिमम इंडेक्स भी यही है तो यहाँ पे यही सॉप हो गया तो ये टू का टू यहीं पर आएगा ठीक है तो आपका टू यहीं का यहीं पर है अब आपके आई की वैल्यू हो चुकी है टू ठीक है आप आप आ, आगे आ चुके हो अब आपके आई की वैल्यू हो चुके है हो टू तो मिनिमम इंडेक्स के अंदर आपने टू डाल दिया और फिर से आपने लूप चलाया और सबसे छोटा वाला जो एलिमेंट है वो ढूंढा और उसका इंडेक्स आपने स्टोर करा लिया तो सबसे छोटा वाला जो इंडेक्स था वो ये था जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है तो फोर्थ पोजिशन आपको मिल चुकी है अब आप क्या करोगे फोर और ये जो सेकंड पोजीशन है जो आई है उसको सॉप कर दोगे तो बेसिकली इस थ्री को इस फाइव के साथ स्वाप कर दोगे स्वाप करने के बाद ये थ्री यहाँ पे आ गया ये फाइव यहाँ पे आ गया ठीक है अब आपका जो आई की वैल्यू हो चुकी है वो ये हो चुकी है ठीक है थ्री हो चुकी है वो आपकी आई की वैल्यू अब आपने फिर से ढूंढा सबसे छोटा एलिमेंट और उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ पर फोर है उसको फोर में डाल दिया फिर से आपने क्या किया इन दोनों को स्वाप कर दिया आई और मिनिमम इंडेक्स को तो फाइव यहाँ पर आ गया सिक्स यहाँ पर आ गया ठीक है और फिर आपका लूप यहाँ से आगे चला और अब इसका जो मिनिमम इंडेक्स है वो यही का यही है तो यहीं पर स्वाप कर दिया आपने और आप लूप से बाहर आ गए तो आप देख रहे हो आपका धीरे धीरे करके पीछे से आपका शॉर्ट होते जा रहा है ये लूप और इसमें जो नंबर ऑफ वो है स्वाप्स हैं वो भी आपके कम है ठीक है पहले वाले केसेस में आपका जो बबल uh, शॉर्ट था उसके अंदर आपका जो अगर एरे रिवर्स आ करके मैंने आपको दे रखा है सपोज आपका एरे था फाइव फोर थ्री टू वन तो आपका हर स्टेप पे आपका एक बार स्वाप uh, कर रहे थे आप ठीक है फाइव और फोर को फोर और थ्री को थ्री और टू को उसके बाद फिर बच्चे हुए फाइव और फोर फोर और थ्री ऐसे करके ठीक है बट यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आप एक इटरेशन में सिर्फ एक बार स्वॉप लगा रहे हो और स्वॉप कम रखने से आपका जो ये अल्गर्दम है ये इफिशेंट होता है ठीक है मोर इफिशेंट देन बबल शॉर्ट तो ये आपका सिलेक्शन शॉर्ट था यार ठीक है आने वाली वीडियोज में हम एरेज के अंदर कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद हम स्ट्रिंग्स में मूव कर जाएंगे स्ट्रिंग्स क्लास हो गई फिर आपकी मैथ क्लास होगी फिर आपके ऊप्स पढ़ने वाले हैं हम जावा के अंदर उसके बाद हम कलेक्शन्स करेंगे ठीक है तो धीरे धीरे दिर करके आगे बढ़ते रहते हैं तो तब तक के लिए चलते हैं यार सिया हैव गुड डे बाय